पीएड वालों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार के द्वारा अन्याय हुआ है। इसलिए अन्याय हुआ सरकार के द्वारा कि सरकार को चाहिए कि अब जब बीएड वाले बेचारे के पास कुछ नहीं बचा तो वैसी परिस्थिति में 6-8 में वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे आप। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया था ऑलरेडी कि डीलेड वाले 1-5 वाले के लिए ही फिक्स है, बीएड वाले उसके लिए योग्य नहीं है। तो अब तो ये तो निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से कल बीती रात जो है एक लेटर जारी हुआ बीपीएससी के द्वारा, और यह साफ कहा गया कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है अगर डीएलएड डिग्री धारक हैं तो वो अपना डीएलएड का डिग्री जो है वो अपलोड करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर जुड़ेंगे। बात करेंगे सर, बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर लेटर जारी हुआ है, कहा यह गया है कि अब वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, डीएलएड डिग्री धारक है तो अपना डीएलएड का डिग्री जो है वो अपलोड करें, कैसे देखें? देखिए, एक तो स्पष्ट रूप से बात मैं पहले बता दूं कि चूंकि हम लोग टोटली डिपेंड थे मर्सी पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मर्सी पर, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया था ऑलरेडी कि डीएलएड वाले 1-5 वाले के लिए ही फिक्स है, बीएड वाले उसके लिए योग्य नहीं है। इसके बावजूद WH का में लोग गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को फिर से उसी आदेश को सामने रखा। तो अब तो ये तो निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। तो बीएड वालों के साथ अन्याय हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं, वो तो अभिलेख न्यायालय है, नमन करते हैं उसका, सरकार के द्वारा अन्याय हुआ है। इसलिए अन्याय हुआ सरकार के द्वारा कि सरकार को चाहिए कि अब जब बीएड वाले बेचारे के पास कुछ नहीं बचा तो वैसी परिस्थिति में 6-8 में वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे आप 1-5 वाले को, चलिए डीएलएड फिक्स है उनका, उनकी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको प्रमोशन देके 6-8 में पढ़वाने का क्या तुक है? जब बीएड वाले इतने करोड़ों बीएड वाले बैठे हुए हैं तो वैसी परिस्थिति में बिहार में 6-8 में एक बहाली नहीं, ये सरकार अब रहम करे बच्चों पर और 6-8 में बहाली दे ताकि बीएड वालों के साथ इंसाफ हो सके। बेचारे टूटे हुए हैं, विचलित हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बहुतों की शादी हो गई, उनके बाल बच्चे हैं। वैसी परिस्थिति में जो उम्मीद जगी थी उनके मन में, वो उम्मीद तो निश्चित रूप से ख़त्म हो गया। और 1-5 वाले के साथ जिस तरह से आयोग ने निकाला कि जो लोग बीएड हैं और उनके पास डीएलएड का डिग्री है वो अपना डीएलएड का डिग्री जमा करते हैं, तो उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी 6-8 में खसोट के जितना भी बहाली है, जितना भी पद है, उस पद पर 6-8 में बहाली दें ताकि बीएड वालों के साथ भी इंसाफ हो सके। बिल्कुल, 6-8 में बहाली दे विभाग, जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएड वाले अभ्यर्थी टूटे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई अभ्यर्थी ऐसे जिनकी शादी हो चुकी है, देखा जाए तो सरकार को उसको लेकर निर्णय लेना चाहिए और 6-8 में सीट देनी चाहिए जिसके बाद बीएड वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सके। क्या कुछ कहते गुरु रहमान सर? बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर आपने सुना है, देखने वाली बात यह होगी सरकार इस पर क्या कुछ अमल करती है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।